हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले आपके लिए नए वीडियो के साथ हालचाल और बवाल लेकर। हमारे साथ मौजूद है सत्यम सिंह सेंगर। आपको क्या लगता है कल के मैच के बारे में? कल के मैच के बारे में मेरी राय तो ये है, कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, तो अभी तो हम खिलाड़ियों को लेकर बातचीत करते हैं। तो वैसे तो मेरे ख्याल से तो सबसे अच्छी मतलब ओपनिंग बल्लेबाजी तो पाकिस्तान की है, क्योंकि हमेशा दोनों बल्लेबाज ही कई बार अकेले ही मैच को जिता के ले गए हैं, जैसे कि बाबर आजम और रिजवान अच्छे प्लेयर हैं, जो कि नंबर वन पे आती है उनकी ओपनिंग अभी, तो अच्छे खिलाड़ी हैं। तो देखते हैं फिर इंडिया का क्या होता है। आपको क्या लगता है इंडिया टीम से कौन चल सकता है कल? इंडिया टीम से मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और इनकी उम्मीद मेरे को ज्यादा लग रही है रन बनाने की। जैसे एक उनका पाकिस्तान का जो बॉलर है नसीम साहब, वो नया लड़का है, अभी 21 साल एज होगी उसकी, वो भी अच्छा गेंदबाज है, तो उसके सामने भी अपने बल्लेबाज घुटना टेक जाते हैं, बहुत बार देखा है। पर हो सकता है इस बार कुछ नया हो सके। हाँ वो तो है, वो तो कल ही पता चलेगा ना, वो तो ऑस्ट्रेलिया मैच है, फास्ट पिच है अब की बार, तो अपने अपने भी पास मोहम्मद शमी है, अर्शदीप सिंह। वो बात तो ठीक है, पर ऑस्ट्रेलिया की पिच है, बहुत अनुभव होता है, पर अभी कुछ देखो क्या होता है, कल कल पता चल जाएगा वो तो इसलिए हमें तो ये लगता है जैसे कि 50-50% चांस होगा, क्योंकि उनकी भी बल्लेबाजी अच्छी है, गेंदबाज भी उनके पास अच्छे हैं, और पिछले मैचों में उनके बल्लेबाजों गेंदबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो देखो कल पता चलेगा। और हमारी टीम से रोहित शर्मा, जो कि अभी कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, और विराट कोहली अब फॉर्म में वापस आ चुके हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? विराट कोहली तो अभी 1-2 साल से तो थोड़ा पीछे थे, पर अभी 1-2 मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो देखो कल शायद लगता है, वो बहुत लोगों के मुँह से सुना है मैंने कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे कल, क्योंकि पाकिस्तान से मैच है, अब की बार हिंदुओं का मतलब कहना है कि अब की बार इंडिया ज़रूर जीतेगी, तो देखो कल फिर पता चलेगा, कल शायद 9 बजे से मैच शुरू हो जाएगा, तो आपका फिर क्या कहना है? मेरा कहना तो बस इतना ही है, इंडिया ही जीते। वो तो सभी लोग कहते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं पाकिस्तान जीते, अपने यहाँ के लोग कहते हैं इंडिया जीते, वो तो कल पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बढ़िया गेंदबाज है उनके पास, जो कि एक उनका गेंदबाज अभी चोटिल था कुछ दिनों पहले, जिसका नाम सैयद अफरीदी, हाँ, वो जो कि अब वापस आ चुके हैं, वापस आ चुके हैं, तो देखो कल क्या मतलब वर्ल्ड कप का पहला मैच है जो इंडिया वीएस पाकिस्तान के साथ, तो कल देखो क्या करते हैं वो। हमारे स्ट्राइकर बॉलर जसप्रीत बुमराह अभी चोटिल हैं, उनकी जगह मोहम्मद शमी आए हैं। आपको क्या लगता है उनके बारे में? पहले वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया खिलाफ उन्होंने 1 ओवर में 4 विकेट लिए थे, एक ओवर में 4 विकेट लिए थे, वो तो वार्म अप मैच था, तो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी भी उसी तरह से खेलते थे, अब कल पता चलेगा कि कितने विकेट लेते हैं या नहीं, वो तो वार्म अप मैच था, अब कल देखते हैं तो क्या करते हैं ये। गाइस कमेंट जरूर करना कि इस बार कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि मोहम्मद शमी इस बार भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। मोहम्मद शमी तो बिल्कुल अच्छा, वो तो हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वो हमेशा 1-2 विकेट लेके जाते हैं मैच में, बहुत बार देखा है। और स्पिनर बॉलर देखो कल क्या करते हैं, जो कि हमारे स्पिनर बॉलर युजवेंद्र सिंह चहल के बारे में आपका क्या कहना है? युजवेंद्र चहल जो कि अच्छे लेग स्पिनर है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, फिरकी बहुत करते हैं, अच्छी बॉल करते हैं, पर पाकिस्तान की टीम भी थोड़ी मजबूत है, अगर उनकी ओपनिंग जल्दी इन्होंने तोड़ दी तो शायद रनों पे कुछ अंकुश लगाया जा अंकुश लगाया जा सकता है, पर अगर इन्होंने पार्टनरशिप जल्दी नहीं तोड़ पाई तो वो बहुत बड़ा रन चेस कर देंगे, मतलब बड़ा स्कोर दे देंगे अब इंडिया को। टॉस के बाद पता चलेगा कौन सी टीम पहले बैटिंग करती है, वो तो कल पता चलेगा 9 बजे सुबह। तो आप लोगों की राय क्या है दोस्तों, कल कमेंट जरूर करना कि कौन सी टीम जीतती है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद। जय हिंद।